अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आपने मेरे व्लॉग का वेट नहीं किया होगा। नहीं काफी दिन से सोचा था मैं व्लॉग बनाता हूँ, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। झूठ बोल रहा है। हम जा रहे हैं ट्रिप पे सब फ्रेंड्स, तो आप भी हमारे साथ चलें। बहुत मजा आएगा, आपको मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। वीडियो के अंदर आपको सब दिखाएंगे। चल 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 चल। थोड़ा सी चीजें रह गई थी बाकी, वो मैं लेने के लिए आया हूँ। और कटिंग भी करवानी है, साथ बियर्ड भी करवानी है, सेटिंग करवानी है, तो वो करवाएंगे चल के। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एटीएम भी जाना है, पैसे भी निकलवाने हैं, तो सबसे पहले पैसे निकलवाते हैं चल के। ओके। कैश मैंने ले लिया है, लेकिन ये सब थाउजेंड्स के नोट निकल आए हैं, तो इनको वॉलेट में कैरी करना बहुत मुश्किल है। ये चाल छोड़ के निकल जाएंगे और मस्त में कैश करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। बेसिकली मैंने ये कैश यहाँ से इसलिए ले लिया क्योंकि मेरा हमेशा एटीएम कार्ड कैप्चर हो जाता है किसी भी दूसरी ब्रांच में, तो इसलिए कैश तो मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ। मैं इसको 5000 का करवाऊँगा। तो चलें, थोड़ा सा सामान लेना था मैंने, लाइक शैम्पू, हैंड वॉश, फेस वॉश और टूथपेस्ट एंड ब्रश, तो वो ले लेते हैं फिर। सामान तो मैंने ऐसे रखा था ट्रॉली में, जैसे ना लगा होगा, ये देखें, एक हाथ में बुरा देते। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। जोर का बिल दो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो मैं बोली क्या था, ब्रश। एक ब्रश ले लेते हैं। अच्छा, तो ब्रश ले लिया, यहाँ पे एक छोटे टूथपेस्ट भी ले लेते हैं। और क्लोज अप उठ गई बैठा। बियर्ड थ्रेडिंग करवाने आ गया हूँ। ये मेरे हेयर स्टाइलिस्ट है और इसके मशवरे से मैं अपने इनसे ना सारे स्टाइल वगैरह करता हूँ। पहले मैंने लॉन्ग हेयर थे जो दिसंबर में मैंने कटवा दिए, और ये वो स्टाइल। रास्ते में हमने देखा कि मेरे बाल काफ़ी बड़े थे, तो दिसंबर में मेरे कटवा दिए हुए, काफ़ी वीक बाल हो रहे थे मेरे। तो फिर मुझे कामरान ने मशवरा दिया कि बाल कटवा दो, मैंने कटवा दिए। हमने इधर बियर्ड हो गई है, कटिंग वगैरह हेयर स्टाइलिंग करवा दी है, चलते हैं। तो कामरान भाई, थैंक यू सो मच, वेलकम। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। इंशाल्लाह, बाय। ड्राई क्लीन के लिए मैंने अपनी जैकेट ली हुई थी, तो वो मैं देने आया हूँ, मिल जाए बस। अब यार नहीं यार, जैकेट मैंने ड्राई क्लीन मिल गई है, ये लेते हैं भाई से, आज ही दी थी भाई को, थैंक यू यार। सामान मैंने बहुत मुश्किल से पैक किया था, कपड़े मैंने इस बैग में डाल दिए थे, और ये वाला बैग मैंने साथ रखा हुआ है। इसमें मेरा फ़ोन, पावर बैंक, ग्लासेस वगैरह जो भी सामान होगा इसमें होगा मेरा, और जैकेट मेरी रह गई है अब, ये तो मुझे फिर लगता है हाथ में कैरी करनी पड़ेगी। पैकिंग तो ऑलमोस्ट सारी हो गई है, लगता है अब मुझे भी तैयार हो जाना चाहिए क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा है। तो चलें तैयार होते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। मैं रेडी हो गया हूँ, अब चलते हैं। टाइम हो गया है तकरीबन 7:30 का, तो अब निकलते हैं फ्रेंड्स की तरफ। सब फ्रेंड्स इकट्ठे होंगे इंशाल्लाह एक जगह पर, फिर वहाँ से हम निकलेंगे। रात को गला मेरा ख़राब हो रहा है,
मैं घर से निकल आया था, अब मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के पास जहाँ हम सब ने इकट्ठा होना है और वहाँ से हमने आगे जाना है। तो बस मैं पहुँचने लगा हूँ, मेरा भाई मुझे ड्रॉप करने आया है। यहाँ से तो मैं चलो अपनी गाड़ी पे आ गया हूँ, ने मुझे ड्रॉप कर दिया है। ठीक है इंशाल्लाह अब मिलते हैं आपसे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे पाँच छः दिन बाद इंशाल्लाह। बाय बाय। मैं अपने दोस्तों के पास पहुंच गया हूं, ये सब मेरे दोस्त हैं, हम ट्रिप के लिए जा रहे हैं। तो ये हमने बैग पैक पहन लिए हैं अपने, टंकी लगाने लगे हम यूनान की। हम तो टंकी अपने स्टे ट्यून है ना हमारे साथ आपको। हम सब दोस्त बस में बैठ गए हैं, अब हम जा रहे हैं रावलपिंडी। ये दो दोस्त मेरे आगे बैठे हैं, हम दोनों के पीछे और बाकी मेरे तीन फ्रेंड्स ये बैठे हैं। ये अकेला बैठा हुआ है, उसने कहा एंड पे तुम स्कूल से सो जाओ। अब हम जा रहे हैं भाई रावलपिंडी और हम काफी थक चुके हैं, तो मैं तो सोने लगा हूं। ये पता नहीं मुझे सोने देते हैं कि नहीं, बाकी अगला भी लोग सुबह इंशाल्लाह अपलोड करेंगे वहां से लगेगा। आज के लिए इतना ही।